अब बात सियासी झगड़े की, बीजेपी और टीडीपी की दोस्ती में दरार पड़ गई है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने के मुद्दे पर दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। पिछले दो दिनों से इस मुद्दे पर दोनों दलों में चल रहे झगड़े को सुलझाने की तमाम कोशिशें बेकार साबित होने के बाद आज टीडीपी के दो केंद्रीय मंत्री कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलने पर टीडीपी यह फैसला लेने को मजबूर हो गई है, ऐसा टीडीपी का कहना है। चंद्रबाबू नायडू ने कल कहा कि सरकार से अलग होंगे लेकिन एनडीए में बने रहेंगे। दूसरी ओर आंध्र प्रदेश में बीजेपी के मंत्री भी चंद्रबाबू कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू पर अवसरवादिता का आरोप लगाया है। I am very confident under his leadership. Again, 2019, Narendra Modi will be the Prime Minister. Many more times, he will be the Prime Minister. That is our wish. That is our desire. That is the desire of the nation. With this, I am thanking all of you. Thank you. Thank you, Ananda. PM Modi और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू के साथ की तस्वीरें पुरानी हो गई हैं। चार साल पहले का वो वक्त कुछ और था, जब चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब तो आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी उनका फोन तक नहीं उठाते। फिर सरकार में रहने का क्या फायदा? Categorically today, Mr. Jetli said, no, we will not. Then why should we stay there? Why should we be the friendly party in that party NDA? There is no need for us. ये आरोप लगाते हुए मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देने का वादा नहीं निभाया। चंद्रबाबू नायडू ने कैबिनेट के अपने दोनों मंत्री अशोक गजपति राजू और सुजान चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कह दिया, जिससे आज से दोनों दलों के रास्ते अलग हो जाएंगे। कल रात चंद्रबाबू नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो पिछले चार साल से धैर्य दिखा रहे हैं। वो 29 बार दिल्ली गए और उन्होंने हर तरह से केंद्र सरकार को मनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नायडू ने साफ किया कि वो एनडीए से अलग नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक विजयवाड़ा में मंगलवार को टीडीपी के विधायक दल की बैठक में आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस की मांग पर 125 एमएलए और 34 एमएलसी ने बीजेपी के साथ गठबंधन को खत्म करने की वकालत की, तो बीजेपी भी आर पार के मूड में है। दिल्ली में टीडीपी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी भी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार से अलग होने का फैसला कर सकती है। बीजेपी ने दावा किया है कि आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मोदी सरकार ने हर संभव कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ चार साल रहने के बाद इलेक्शंस कॉर्नर में हैं, तो उसी के लिए, लोकल इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए और इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए अवसरवाद राजनीति करने के लिए जो एक कदम उठाया गया है, वो कदम से न सिर्फ टीडीपी को, चंद्रबाबू नायडू जी को या आंध्र के प्रजा को नुकसान होगा, नुकसान जो अलायंस धर्मा है उसको भी होगा। इधर दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि आंध्र प्रदेश में ऐसा आर्थिक संकट नहीं है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। उधर टीडीपी के फैसले के बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने ट्वीट कर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री इतने अहम मुद्दे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोन कॉल नहीं उठाते हैं। यह आंध्र प्रदेश की जनता की भलाई के लिए सही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने जब ये वायदा किया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष की मुख्य पार्टी थी, उन्होंने सहमति दी थी। और ये सत्ता में परिवर्तन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हृदय में परिवर्तन आ गया। कांग्रेस आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग का समर्थन करती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष बुधवार को जंतर मंतर पर टीडीपी के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल भी हुए थे। कल संसद भवन परिसर में भी कांग्रेस प्रदर्शन में शामिल हुई थी। राहुल गांधी ने कहा कि वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का समर्थन करते हैं। लोकसभा में एनडीए के कुल 331 सांसद हैं, जिनमें टीडीपी के 16 सांसद और राज्यसभा में एनडीए के 81 सांसद हैं, जिसमें टीडीपी के 6 सांसद हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सरकार से अलग होने से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। टीडीपी स्पेशल स्टेटस के नाम पर 2019 के विधानसभा और लोकसभा के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है, तो पिछले कुछ दिनों में ऐसी खबरें आई कि बीजेपी वाईएसआर कांग्रेस से करीबी बढ़ा रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी सियासी तैयारियों में लगे हैं। कांग्रेस भी इस लड़ाई में अपने फायदे का मुद्दा ढूंढ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।